Today in this lecture, we will cover digital footprints, net and communication etiquettes, and data protection. Let us see them one by one. Topic is digital footprint. It is also known as digital shadow. Digital footprint refers to one's unique set of traceable digital activities, actions, contributions and communications done on the internet or on digital devices. It means whatever you are doing on internet that is being captured by somebody in the form of digital footprints. So a digital footprint is a trail of data you create while using the internet. It may include visiting websites, sending or receiving emails, or any information you upload or submit to online services. Now, how do we leave digital footprints? First is through websites and online shopping. आपने notice किया होगा कि कभी अगर आप online shopping करते हैं, जो item आपने select किया, for example running shoes, तो next time उसी से related information आपको अलग अलग जगह Twitter पे, Facebook पे या उसी same online shopping website पर नजर आएंगी. उसी से related आपको ads display किए जाएंगे. It means आपने जब कोई particular website use करी तो आपने अपने digital footprints कहीं ना कहीं internet पर छोड़ दिए. तो उसका यूज या मिस यूज कंपनीज ऐसे करती. सो दिस कैन हैपन इन मेनी वेज, वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स. वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर शेयरिंग ऑन इंटरनेट, वेयर वी आर शेयरिंग ऑन इंटरनेट एंड विद हुम वी आर शेयरिंग. यानी ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम इंटरनेट करते हैं कि हम क्या शेयर कर रहे हैं, कहां पर शेयर कर रहे हैं, किस वेबसाइट पर शेयर कर रहे हैं और किसके साथ शेयर कर रहे हैं. इफ यू डोंट नो समबडी बिहाइंड द इंटरनेट देन डू नॉट शेयर एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन विद दैट पर्सन और कंपनी. बी स्मार्ट अबाउट द वेबसाइट्स यू विजिट. जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं एक बार उसको देख लीजिए ऑथेंटिक है या नहीं. यू गेट लॉट्स ऑफ ईमेल्स, एवरी ईमेल नीड नॉट टू बी ओपन. आप उसका टाइटल पढ़िए, कोशिश करिए जानने की कि वो ईमेल अगर ऑथेंटिक है तब तो आप ओपन करिए, अदरवाइज नहीं. बिकॉज ईमेल्स कंटेन मलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरसेस वगैरह उसमें हो सकते. लिंक्स यू क्लिक, इस पे भी ध्यान देना है. सो वेन एवर यू डू सर्फिंग ऑन इंटरनेट डू नॉट गेट इन द ट्रैप्स ऑफ लिंक्स. तो आप लिंक को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, पूरे लिंक का जो URL होता है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा. थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा कि वो ऑथेंटिक लग रहा है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले मेरे पास एक ईमेल आया था और उसी से रिलेटेड एक लिंक भी आया था, HDFC लिखा हुआ था. तो मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, मैंने उस लिंक को पूरा ओपन करके देखा, ध्यान से पढ़ा. पूरा URL होता है ना, अगर मैं खाली HDFC बैंक पढ़ करके उस पर क्लिक कर दूं तो पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं. तो उसके अंदर किसी एक वेबसाइट का भी नाम लिखा हुआ था जो मैंने कभी नहीं पढ़ी, और HDFCBank.com ही उस वेबसाइट का ओरिजिनल नेम है. बिकॉज आई डू ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेट्रा, तो इसलिए मुझे HDFC बैंक का ऑथेंटिक URL पता है. तो मैंने उस लिंक पर क्लिक नहीं किया, क्योंकि तो आपको नहीं पता. ऐसा नहीं है कि लिंक पर क्लिक किया कोई चीज आपके सामने ओपन होगी, आप कहीं डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तब जाके मलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरसेस वगैरह या मेलवेयर डाउनलोड होंगे, ऐसा नहीं है. तो आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही हो सकता है कि कोई स्पाई बोट या कोई
सॉफ्टवेयर जो आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू किसी और को भेज दे, ये होता है. सो प्लीज यू हैव टू बी स्मार्ट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स, दो कैटेगरीज हैं इसकी. फर्स्ट इज पैसिव फुटप्रिंट, सेकंड इज एक्टिव. नाम से थोड़ा आइडिया लग गया होगा. पैसिव फुटप्रिंट, अ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज डेटा कलेक्टेड विदाउट द ओनर नोइंग. जो ओनर है उसको पता नहीं लग पाता. तो मैक्सिमम केसेस में पैसिव फुटप्रिंट ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू विजिट अ वेबसाइट, द वेब सर्वर मे लॉग योर आईपी एड्रेस विच आइडेंटिफाइज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड योर लोकेशन. आपने कोई वेबसाइट विजिट करी तो वो क्या करेगा, क्या कर सकता है, वो आपका आईपी एड्रेस स्टोर कर लेगा और ये पता लगा लेगा कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आप कहाँ से अपना लैपटॉप या मोबाइल यूज करके सर्फिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ एक्टिव फुटप्रिंट, एक्टिव फुटप्रिंट मैनुअली होता है, डेलिबरेटली होता है, हम जानबूझ करके ये काम करते हैं. हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं और उनके साथ शेयर करते हैं. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स आर क्रिएटेड व्हेन पर्सनल डेटा इज रिलीज्ड डेलिबरेटली बाय अ यूजर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओनसेल्फ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग ईमेल्स, पोस्टिंग ब्लॉग्स एक्सेट्रा. Now, here are a few examples of active digital footprints. Let us see them one by one. First is posting on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, and other social media platforms. तो ये क्या है, ये एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ने के एग्जांपल्स हैं. आप जब भी पोस्टिंग करते हैं तो आपने क्या किया, आपने अपनी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में उन वेबसाइट्स पर अपलोड कर दी. अब वो इस इंफॉर्मेशन का कुछ भी कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट, फिलिंग आउट ऑनलाइन फॉर्म्स सच एज व्हेन साइनिंग अप टू रिसीव ईमेल्स और टेक्स्ट. उस केस में भी आप एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स का यूज कर रहे हैं. इट मींस डेलिबरेटली फॉर्म में जो मांगी जा रही है इंफॉर्मेशन वो आप फिल आउट कर रहे हैं. थर्ड, एग्रीइंग टू इंस्टॉल कुकीज ऑन योर डिवाइसेस व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द ब्राउजर. सपोज आपने कोई नई वेबसाइट ओपन करी, किसी भी लिंक पर क्लिक किया, एक नई वेबसाइट, पहली बार कोई वेबसाइट ओपन हुई. एग्जाम्पल बता देता हूँ. यस्टरडे आई वॉज सर्फिंग ऑन इंटरनेट टू चेक ऑनलाइन वीडियो एडिटर. ठीक है, बहुत सारे आ गए हैं आजकल. सो देयर वर सो मेनी वेबसाइट्स. मैंने किसी एक पर क्लिक किया तो एक ऑफिशियल वेबसाइट सामने आ गई. उसमें लिखा था कि अगर इस वीडियो को आप यूज करना चाहते हैं तो इतना पेमेंट देना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, नीचे लिखा हुआ आ रहा था प्लीज क्लिक ऑन ओके बटन सो दैट दिस वेबसाइट कैन इंस्टॉल कुकीज इन माय लैपटॉप. तो कुकीज होती क्या है, कुकीज आर वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर्स, बहुत ही छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका काम होता है आपकी कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना. फॉर एग्जाम्पल आप कौन कौन सी वेबसाइट्स ज्यादा यूज करते हैं, आप शॉपिंग किस चीज की ज्यादा यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें अब पूछी जाती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था. तो ये एक रूल बना दिया है कि यूजर से पहले मैसेज दे करके पूछना है. सपोज byjuice.com है तो आप मोबाइल में ओपन करके देखना byjuice.com, वो आपसे पूछेगा पहले कि भाई हम कुकीज यूज करना चाहते हैं, अलाउ करिए, तो वो अलाउ
जो भी बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो आप जो भी ब्राउजिंग करते हैं उनकी कुछ इंफॉर्मेशन कंपनीज या वेब सर्वर अपने पास स्टोर करके रखता है। तो ये एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट हुआ ना, आपसे पूछा जा रहा है क्या हम आपकी कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रख लें, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलिंग कुकीज। सो थर्ड पॉइंट, लेट अस रीड दिस वंस अगेन, एग्रीइंग टू इंस्टॉल कुकीज ऑन योर डिवाइसेस आइदर लैपटॉप और मोबाइल व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द ब्राउजर। ब्राउजर पूछता है आपसे, ओके करोगे उसके बाद ही कुकीज इंस्टॉल हो। नेक्स्ट टॉपिक इज नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स। यू नो व्हाट आर एटिकेट्स। एटिकेट्स को नॉर्मली मैनर्स भी कहा जाता है। इट मीन्स व्हेनेवर यू डू कम्युनिकेशन स्पेशली ऑन इंटरनेट, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में टेक्स्ट भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, तो क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, क्या एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो वी हैव 10 नेट एटिकेट्स, लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन। फर्स्ट, व्हेन टाइपिंग नेवर राइट इन ऑल कैपिटल लेटर्स, इट मींस यू आर शाउटिंग, हियर आर इज मिसिंग। जब भी आप कोई डायलॉग टाइप करते कैपिटल लेटर में मत लिखिए, तो उससे यह पता लगता है कि आप चिल्ला रहे हैं, आप गुस्से में, ठीक है। तो जैसे अगर किसी को ओके भी लिखना है, राइट इन स्मॉल लेटर्स, नॉट इन कैपिटल लेटर्स। अभी ओके स्मॉल लेटर में लिखा तो ऐसा हो जाएगा ओके, कैपिटल लेटर्स में लिखा ओके, समझ में आगे मेरी बात, ओके। सेकेंड, Do not plagiarize. अब ये plagiarism क्या होता है, ये भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, एग्जाम में हमेशा होता है। What is plagiarism? Plagiarism का मतलब होता है किसी और के आइडिया को चुरा करके अपना बना लेना, That is called plagiarism. So do not plagiarize. ये भी तो etiquette में आएगा। Never steal others' ideas and information. बट इफ यू यूज, मतलब कभी जरूरत पड़ जाती है किसी का आइडिया या इंफॉर्मेशन यूज करने की, मेंशन देयर नेम्स और रेफरेंसेस इन योर प्रोजेक्ट और वट एवर यू आर वर्किंग ऑन। तो जिसका भी आइडिया या इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसका नाम मेंशन करिए, रेफरेंस मेंशन करिए कि हमने ये इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ली है। तो दिस इज सेकेंड एटिकेट। थर्ड, डू नॉट गॉसिप एंड पब्लिश पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अदर्स। इट्स वेरी क्लियर। सी, इन इटसेल्फ गॉसिप इज अ वेरी नेगेटिव थिंग, ठीक है। कभी आप बड़े हो जाओ, कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ो, तो आपको पता लगेगा कि गॉसिपिंग जो है वो बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स चारों ओर फैलाती है। नेवर डू गॉसिपिंग, आइदर बॉयज और गर्ल्स, ट्राई टू अवॉइड गॉसिप। डू नॉट गॉसिप एंड पब्लिश पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अदर्स, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, Watch your language. It is also quite clear. बात करते समय, चैटिंग में कुछ लिखते समय अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बात करिए। छोटा बच्चा भी है तो उसको भी है ना इज्जत देने की कोशिश करिए, ऐसे नहीं कि उसको आप रूड बिहेवियर से बात करेंगे। Is also a human being. बड़ा है तो ऑब्वियसली आपको इज्जत देनी ही है, सामने वाला है तो जैसा आप फील करेंगे अगर कोई आपसे बात करेगा वैसे ही आप उससे बात करिए। तो that is called watch your language. बात करने का मतलब इंटरनेट की बात हो रही है। Okay, fifth point, be patient
with internet new users. इसका मतलब क्या हुआ, कई बार कुछ नए नए यूजर जिन्होंने मान लो पहली बार चैटिंग शुरू करी, नया नया मोबाइल मिला, पहली बार व्हाट्सएप शुरू किया और उसको यूज नहीं करना आ रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मदर्स, कोई अपना करियर बना रहा है, उसको अच्छी सी जॉब मिल गई कहीं, वो चला गया फॉरेन कंट्री, या फिर वो कहीं बहुत दूर अपने घर से चला गया. पेरेंट्स आर अलोन नाउ, तो उसने कहा कि मम्मी आप ये मोबाइल ले लो, इससे हम व्हाट्सएप पे बातचीत किया करेंगे, वीडियो कॉल किया करेंगे. बट शी इज न्यू, शी इज नॉट सो यूजर फ्रेंडली टू दैट सॉफ्टवेयर, सो यू हैव टू बी पेशेंट इन दैट केस, इजंट इट. ओके, सिक्स्थ, नो स्पैमिंग. स्पैमिंग का मतलब क्या है, स्पैमिंग मीन्स सेंडिंग ईमेल्स, अननेसेसरी ईमेल्स स्पेशली टू अ पर्टिकुलर पर्सन अगेन एंड अगेन, और टू सम ग्रुप ऑफ पर्संस अगेन एंड अगेन. बार बार एक ही एड को उसे परेशान करना भेज भेज कर, दैट इज स्पैमिंग. So, no spamming. Remember that spam is unwanted electronic messages or sending the same electronic message over and over. Seventh point, avoid overuse of emoticons. You know, smileys, etc. These are all emoticons. Inka overuse na karein. Jahan zarurat hai, wahan par. Let me give you an example. एक joining hands का emoticon आता है, नमस्ते वाला. अभी suppose सामने कोई elder है, बहुत दिनों बाद आपने बात करी, joining hands आप भेजोगे तो उसको एक अच्छी feeling जाएगी, है ना, कि भाई नमस्ते कर रहा है, greeting. अब suppose कोई आपका क्लासमेट है या कलीग है, आप उसको बहुत सारे वही सेम इमोटाइकन्स भेजते जा रहे हो, एंड में आपने भेज दिया कुछ बातचीत चल रही है, तो इससे वो ये भी तो समझ सकता है कि भैया दूसरा बंदा ये कह रहा है कि मैं आपसे दुखी हो गया भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, बंद कर. सो डू नॉट ओवर यूज इमोटाइकन्स. Next, respect other people's time and speed. ठीक है, अगर सामने वाला स्लो है तो आपको भी स्लो टाइपिंग करके उसी की स्पीड से काम करना चाहिए. Ninth, adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life. It means जैसे आप सर कोई COVID-19 आ गया है क्लास में. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू. अभी हाँ आ तो गया है, कोई बात नहीं, हमें अब लड़ना आ गया है COVID-19 से, हैं? हटा दो, हटा दिया. बताने के लिए शुक्रिया. ओके, सो एडियर टू सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑनलाइन दैट यू फॉलो इन रियल लाइफ. समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं. रियल लाइफ में जैसे आप सबसे बात करते हैं तो उसी टोन को, उसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपको चैट करते समय सेंटेंसेस टाइप करने. लास्ट पॉइंट, कीप द कन्वर्सेशन शॉर्ट. पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आजकल आप लोग अच्छे से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बहुत है, ASAP, है ना, एज सून एज पॉसिबल. कीप द कन्वर्सेशन शॉर्ट.
let us move to next slide. See, this chapter is very easy and interesting too. अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो याद करना आसान होगा. डेटा प्रोटेक्शन पे आते हैं. हार्डली 5 मिनट्स लेफ्ट. डेटा प्रोटेक्शन फर्स्ट पॉइंट. डेटा प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस, सेफगार्ड्स एंड बाइंडिंग रूल्स पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट your personal information and ensure that you remain in control of it. So data protection ke andar practices, safeguards, rules and regulations ye sabhi cheeze batai jati hain, sikhai jati hain. Login karna, username, password, double data protection, captcha use karna, etc, etc, all this comes in data protection. Second point, you should be able to decide whether or not you want to share some information. It means you must be wise. Har samay apne aap ko jagruk rakho ki aap kisse kya baat karne ja rahe ho, kya cheez share karne ja rahe ho. Theek hai, jaldbazi mein koi kaam nahi karna chahiye. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन दूसरे से पूछता है मेरे को जरा थोड़ा सा हेल्प कर दे, मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ. तो उसने कहा अच्छा ठीक है मुझे लिंक भेजो मैं ट्राई करता हूँ. उसने लिंक भेज दिया, वेबसाइट ओपन करी. उसने कहा अच्छा आप फटाफट से जल्दी जल्दी बताओ अपना यूजर नेम. उसने यूजर नेम बताया, फॉर एग्जाम्पल abhishekkumar.com whatever जो भी है यूजर नेम. फिर उसने कहा पासवर्ड बता जल्दी abcd1234. हो गई गड़बड़. तो उसने पासवर्ड जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी उसको शेयर कर दी. सो यू शुड बी एबल टू डिसाइड वेदर और नॉट यू वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, हु हैज एक्सेस टू इट, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर व्हाट रीजन एंड बी एबल टू मॉडिफाई सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड मोर. आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन किसको शेयर करने जा रहे हो. क्या आप चाहते हो कि वो आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ले, और कितने टाइम के लिए एक्सेस करे, क्यों एक्सेस करे, एंड आर यू अलाउइंग दैट पर्सन टू मॉडिफाई योर इंफॉर्मेशन. मान लो पासवर्ड तो दे दिया abcd1234, अब उसने क्या किया कुछ दिनों बाद पासवर्ड बदल दिया, पासवर्ड कर दिया 1234 और abcd. तो जिसने पासवर्ड दिया वो तो परेशान. अब कभी वो पूछेगा उससे तब वो बताएगा अरे मैंने गलती से चेंज कर दिया. नहीं पूछेगा तो वो फिर बस ऐसे ही बैठा हुआ यूजलेस. देयर इज एन एग्जांपल, सी हियर. इन 2015 क्रिमिनल्स स्टोल सीधा अमाउंट 21.5 million records from the US Office of Personnel Management that contained highly sensitive personal data of federal employees and their family members. ठीक है, तो data protection पर तो सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. Next, so this was just an introduction of data protection. Detail में बहुत कुछ है और आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे. If you have any doubt, you can ask me anytime. So for now, thank you.